एक बड़ी खबर मिल रही है, विभव कुमार पुलिस हिरासत में, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जाएगी। तो स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने FIR दर्ज की थी कल, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, और अब विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब विभव कुमार को हिरासत में लिया गया, तो स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा था और बदतमीजी करने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है कि विभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जाएगी। और कई गंभीर आरोप, संगीन आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए थे, और CM आवास के अंदर मारपीट करने, बदसलूकी करने का आरोप, बदतमीजी करने का आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सिर्फ हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है? जी देखिए, सीधे तौर पर जो खबर मिल रही है दिल्ली पुलिस सूत्रों से, उन सूत्रों के मुताबिक अभी फिलहाल उन्हें डिटेन किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से, और फिलहाल अभी इस पूरे मामले में औपचारिक जो दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। गिरफ्तारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पर दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में ऐलान कर सकता है, लेकिन ये खबर बिल्कुल पुख्ता सूत्रों से मिल रही है कि विभव कुमार को डिटेन किया गया है स्वाति मालीवाल के मामले में। जिस तरह स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई मारपीट का हवाला देते हुए 164 का बयान दर्ज किया, और जिस तरह से उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उससे सीधे तौर पर अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही थी, और यही वजह है कि विभव कुमार को फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करना चाह रही थी। विभव कुमार को फिलहाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके आवास से डिटेन किया गया है, और दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान करेगी कि उनको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। फिलहाल उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, ये जानकारी क्लियर है। लेकिन क्या विभव कुमार की तरफ से कुछ अभी कहा गया अपनी सफाई में, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं वो अपना पैर पीछे खींचती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर अभी ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में कोई फिलहाल बातें कही गई हैं, और ना ही विभव कुमार ने ही इस पूरे मामले में कोई अपनी बात कही है। आज सुबह ये डेवलपमेंट तब हुआ जब राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे, और लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो विभव कुमार को सर्च कर रही थी, उनसे बातचीत करना रही थी, लेकिन विभव कुमार उनको मिल नहीं रहे थे। ये जानकारी मिली थी कि पंजाब और लखनऊ अरविंद केजरीवाल के साथी विभव कुमार हैं, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की एक जो टीम है वो सुबह फिर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, और ये जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली है कि उन्हीं के आवास पर विभव कुमार को डिटेन किया गया है। फिलहाल इस समय अभी वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस विभव कुमार से पूछताछ करती है, और जो भी आरोप लगाया गया है जो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हैं, उन आरोपों को लेकर विभव कुमार अपने बचाव में क्या कहते हैं। अगर दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि जो आरोप फिलहाल स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों में किसी भी तरीके से विरोधाभास नहीं है, तो निश्चित रूप से विभव कुमार की गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है, और ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो गिरफ्तारी अगर विभव कुमार की होती है तो ये काफी मुश्किलों का सुशील सुशील कल मेडिकल भी करवाया गया था स्वाति मालीवाल का, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई, शरीर में कई हिस्सों पर चोट के निशान की बात भी कही गई थी उसमें, और जिस तरह के आरोप पहले स्वाति मालीवाल ने लगाए उसके बाद में मेडिकल होता है, उसके बाद में रिपोर्ट सामने आती है, और अब विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अगर सारी कड़ियां आपस में जोड़कर देखें तो क्या ये कहना ठीक होगा कि स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे अभी तक की जांच में सही हैं? देखिए, जिस तरह से स्वाति मालीवाल इस पूरे केस को लेकर पुलिस को लगातार सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने कल खुद तीर्थधारी जाके उन्होंने अपना 164 का बयान दर्ज करवाया, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि 164 का बयान ही ये होता है कि कोई भी आरोपी 164 का बयान अगर दर्ज करवाता है तो इसका मतलब वो अपने बयान से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है। पहला, दूसरा, तो उनका मेडिकल हुआ है, और मेडिकल में जिस तरह से बातें सामने निकल कर आई है, जिसका भी आप जिक्र कर रही थी कि उनको कई जगह चोट लगी है, उनके पैर में चोट है, उनके पेट में चोट है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि स्वाति मालीवाल साथ CM हाउस में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। और जिस तरह के तथ्य अभी तक दिल्ली पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिले हुए हैं, उन तथ्यों के मुताबिक ये जरूर है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, और यही वजह है कि विभव कुमार जो इस पूरे मामले के प्राइम एक्यूज हैं
उनसे दिल्ली पुलिस लगातार कनेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन विभव कुमार दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने अगर उनको डिटेन किया है तो विभव कुमार अब इस पूरे मामले में अपनी बात दिल्ली पुलिस के समक्ष रखेंगे, और दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल निश्चित रूप से ये अधिकार है कि अगर अपने बयानों में वो थोड़ा सा भी विरोधाभास विभव कुमार के बयानों में देखती है तो उनको फिर गिरफ्तार कर सकती है। और अगर विभव कुमार को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर उनको कंसर्न जो मजिस्ट्रेट हैं यानी कि उन्हें 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली पुलिस विभव कुमार की रिमांड मांगेगी। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, केवल उनको हिरासत में लिया गया है जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। देखना बेहद अहम होगा कि कुछ घंटों में विभव कुमार की गिरफ्तारी की जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा या नहीं, लेकिन ये जो फिलहाल वाकया हुआ है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा दौर है। मुख्यमंत्री और जिस तरह के बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है सुशील, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि विभव को अस्पताल लेकर जाएगी पहले पुलिस, उसके बाद में पूछताछ होगी, तो आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है या उसको डिटेन करती है तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है। तो ये फिलहाल एक प्रावधान है कि विभव कुमार का मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद उनको दोबारा थाने में लाया जाएगा जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, और अगर पूछताछ में किसी भी तरीके से विरोधाभास होता है तो दिल्ली पुलिस उन्हें थाने में ही गिरफ्तार करेगी और उन्हें ये भी बताया जाएगा कि आपको इन इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है जिसका फिलहाल प्रावधान है। उसके बाद उन्हें कंसर्न कोर्ट में दिल्ली पुलिस 24 घंटे के भीतर पेश करेगी। जब उनको पेश करना होगा तो उससे पहले भी एक मेडिकल करवाया जाएगा अस्पताल ले जाकर, जहां पर उनकी जो मौजूदा स्वास्थ्य की स्थिति है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद उनको कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कोर्ट में दलीलें रखेंगी कि विभव कुमार के ऊपर आरोप क्या है और किन कारणों की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी कि इस पूरे मामले में आगे की जांच के लिए उन्हें विभव कुमार के रिमांड की आवश्यकता है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि जितने दिन की रिमांड कोर्ट से दिल्ली पुलिस मांगेगी उस रिमांड में कितने दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस को मिलता है, लेकिन निश्चित ठीक है सुशील, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है आज की जब विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है थोड़ी देर पहले सीएम आवास से, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वही वीडियो है जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ में आप कुछ गार्ड्स देखिए, महिला गार्ड्स, और ये बातचीत के दौरान का वीडियो, हालांकि 13 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, और अब स्वाति मालीवाल के कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।